हमें खतरा है, अभी भी हमें धमकियां मिलती हैं, कहते हैं जी फैसला कर लो वरना तुम्हें भी नुकसान होगा। इस केस का फैसला कर लीजिए, खत्म करिए, लिख के दे दीजिए आप कि भाई हम कोई केस नहीं चाहते, ये नहीं चाहते, वो नहीं चाहते। लेकिन ये तो मर्डर केस है, आप वापस कैसे ले सकते हैं? हमारे हाथ में नहीं है इसे वापस लेना। लेकिन उनका तो प्रेशर बनता है ना, अभी भी बिल्कुल, अभी भी कोई दो तीन दिन पहले भी आए हैं, लोग आते रहते हैं, कभी किसी को भेजते हैं, कभी किसी नेता को, छोटे मोटे नेता को भी भेजते हैं। वो कहते हैं जी 6,128 रुपये आपको जमा करने होंगे, 10% खर्चा, और उसके साथ एक महीने के लिए सादा कपड़ों में आपको एक स्वच्छाकर्मी मिल सकता है। तो मैडम एक महीने का तो मामला नहीं, ना ही हम उस पर खर्चा वहन करने की कंडीशन में। खतरा तो सभी को है जी। और भाइयों के पास भी जाते हैं? हाँ, फ़ोन पर संपर्क करते हैं, उनसे जाते हैं, बात करते हैं, सरताज से भी फ़ोन पर बात करते हैं, उसे भी फैसले की बात करते हैं। जिन लोगों के नाम उन बच्चों ने लिए, सभी को तो हमारी भाभी भी नहीं पहचानती, घर में रहती हैं, ना ही सभी को बच्चे पहचानते हैं, तो जिसने जिससे पहचाना उन्होंने उतनों का नाम लिया। पुलिस ने जांच करके नहीं किया है कुछ भी कि भाई फल इस पे साजिश के पीछे किसका हाथ है, बस वो ही अरेस्ट किए हैं जिन लोगों के नाम इन बच्चों ने, हमारी भाभी ने लिए। क्यों किया इन्होंने ऐसा, क्या मंशा थी इसके पीछे, कोई राजनीतिक मंशा थी या कोई क्या मंशा थी, ये हम भी नहीं समझ पाए हैं आज तक। देखिए जी, गाँव के जो लोग हैं वो सारे कहते हैं कि संजय राणा ने ही ये काम किया, और संजय राणा ने एक पंचायत में, गांव में मंदिर में पंचायत की, अब बाद में उसने खुद स्वीकार किया, कोई और आदमी इस सोच का मेरे मोहल्ले में है ही नहीं। उसका क्या बैकग्राउंड है? ठीक है, वैसे कोई अपराधी किस्म का व्यक्ति तो है नहीं, पर हाँ एक पार्टी विशेष से शुरू से ही जुड़ा हुआ है, वो कार्यकर्ता है उस पार्टी का, हो सकता है और भी इन्वॉल्वमेंट हो, अकेले संजय राणा की प्लानिंग तो नहीं हो सकती, उसके या कोई राजनीतिक सहायक हों या गाँव के लोग हों जो इस तरह की नेचर रखते हैं, इस तरह की सोच रखते हैं, एक खास वर्ग के बारे में, हो सकता है वो सब मिले, हो सकता है इसलिए कि हम श्योर, हमें पता नहीं है ना। तो देखो, लगता नहीं भविष्य के कुछ कह नहीं सकते कि हमारे जैसे भी टूटे फूटे मकान हैं सब वहीं हैं, तो जन्मभूमि है हमारी, जा भी सकते हैं, पर जा सकने वाली बात अब है नहीं, क्योंकि अब हम वहाँ कभी रहेंगे ही नहीं, ये हमने पक्का मन बना लिया है।